एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चेतना ब्लॉग में। आज मैं जा रही हूँ मंदिर, जो कि लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर बीकेटी में स्थित है। इस मंदिर का लोगों बहुत ही मान्यता है, यहाँ के प्रति इस मंदिर के प्रति लोगों के अंदर बहुत आस्था है और हजारों के संख्या में श्रद्धालुओं की डेली भीड़ लगती है। तो आज हम सभी भी वहाँ जा रहे हैं। मंदिर का नाम है चंद्रिका मंदिर। चलते हैं गाइस, आप सभी को आज मैं वीडियो के माध्यम से दर्शन कराती हूँ। हाँ, सब्जी है ना। कहाँ? वाटर पार्क यही तो है। ये कौन सा वाटर पार्क है? आदित्य कुमार टॉयज। यह मैदान भी तो है। दोस्तों, हम आ गए चंद्रिका मंदिर में। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। नवरात्रि खत्म होने के बाद भी काफी भीड़ है। हम जा रहे हैं प्रसाद लेने। दे रहे भैया, सूखा प्रसाद ही तो चढ़ाते हैं, पेड़ा कहाँ आया जाता है। कितने में दे रहे भैया? 51 में। 151 में। मछली रुक रहा है? वही वो सामने में जहाँ जलती थी मछली, दो जगह और लगाए। ये 200 रुपये किलो। पेड़ा भी कम मीठी है, बर्फी होगी, शादी एकदम। आद्विक, ले लो उनकी 10 रुपये का है। नीचे देखिए, ये देखिए दोस्तों, नवरात्रि में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि ये सारी लाइनें एकदम भरी होती हैं। अभी भीड़ थोड़ा कम हो गई है। ये है माँ चंद्रिका का भव्य मंदिर।
हवन करूंगी तृप्ति ये देखिए फ्रेंड, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है, तो यहाँ पे इसकी सौंदर्यीकरण के लिए थोड़ा पानी को इकट्ठा किया गया है, यहाँ पे झील नुमा बनाने की कोशिश की गई है। और कितना खूबसूरत दृश्य है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर शंकर जी की विशाल प्रतिमा, बनाई गई है, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए दोस्तों कितनी बड़ी फिश है, इसमें कितना बड़ा फिश है भाई, कितनी बड़ी मछली है ये, ये देखिए क्या बात है, एक ही दिख रही है। जय भोले बाबा। और मछलियां नहीं दिखी, इसे झील पूरा लग रहा है एकदम से ना, देखने में बीच में। सफाई तो नहीं कर सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि गोमती का पानी इतना गंदा है, सफाई क्या करेंगी। कभी ऐसा होता नहीं था, लेकिन ये देखिए भाई, यहाँ की पकौड़ी बहुत फेमस है। हम लोग जब भी आते हैं इस दुकान पे, प्याज की पकौड़ी, पनीर की पकौड़ी और पालक की पकौड़ी खाते हैं, साथ में ये चाट बहुत चटपटी और देसी स्वाद मिलता है यहाँ की चाट में।